हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं कि चेस प्रिंसिपल, चेस गेम कैसे जीते, टूर्नामेंट में जीतने के लिए टोटल 64 प्रिंसिपल्स हैं। 64 प्रिंसिपल्स आपको याद रख के फॉलो करने होते हैं गेम में। सिर्फ ओपनिंग सीखने से, मिडल गेम सीखने से और एंड गेम सीखने से आप गेम नहीं जीतते। अंदर और चेस के बाहर, बाहरी दुनिया में भी आपको बहुत सारा कुछ करना होता है। तो क्या क्या करना होगा, फॉलो क्या करना है, इसके बारे में मैं डीप में आज आपको बताऊंगा 64 प्रिंसिपल्स। और दोस्तों, खास करके जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। वीक में 3, 4, 5 बार जितनी बार वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगा, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो प्रिंसिपल्स के बारे में आज बात करेंगे, और खास करके सबसे पहला जो है, डेवलप योर पीसेस क्विकली। नंबर वन, आप नोट डाउन कीजिए, जो पहला प्रिंसिपल है, डेवलप योर पीसेस क्विकली, जल्दी से जल्दी अपने पीसेस को डेवलप करो। रूल नंबर टू, कंट्रोल द सेंटर। यहाँ पे जो D4 और E4 जो स्क्वायर है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल द सेंटर। दोस्तों, मैं खास बात बताऊंगा कि चेस की जो गेम है वो पूरी सेंटर के ऊपर डिपेंड है। सेंटर कंट्रोल जिसके हाथ में है, उसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग रहती है। इसलिए सेंटर कंट्रोल मत भूलिए और अपोनेंट को कंट्रोल दीजिएगा भी नहीं। रूल नंबर थ्री, पुट योर पीसेस ऑन स्क्वायर्स दैट गिव देम मैक्सिमम स्पेस। आपके पीसेस को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले, ऐसी जगह पे आपको डेवलप करना है। रूल नंबर फोर, आपको नाइट को सेंट्रलाइज करना है। डेवलप योर नाइट टुवर्ड्स द सेंटर। साइड स्क्वायर में नाइट बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वीक हो जाता है, सेंटर में स्ट्रांग रहता है। रूल नंबर फाइव, अ नाइट ऑन द रिम इज डिम। रूल नंबर सिक्स, डोंट टेक अननेसेसरी चांसेस। हम गेम खेलते हैं तब कई बार अननेसेसरी चांसेस ले लेते हैं बिना सोचे, मतलब सोचते हैं 4-5 मूव, लेकिन रिस्की मूव कर देते हैं। डीप में कैलकुलेट किए बिना कभी भी अननेसेसरी चांसेस मत लीजिए। रूल नंबर सेवन, प्ले अग्रेसिव। अग्रेसिव खेलिए ऑलवेज। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरी चैनल लोगों को चेस सिखाने के लिए ही बनाई है मैंने, कि ऐसे बच्चे जो पैसे खर्च करके महंगे कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए मैंने स्पेशल ये चैनल बनाई है, जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक ओपनिंग, सब कुछ उनको सीखने को मिल जाए। इसीलिए मेरी जो भी वीडियो है, उसमें कोई आपको नोवेल्टी वाला, मतलब एडिटिंग नहीं देखने को मिलेगा, एकदम सिंपल होगा। लेकिन मैं बोर्ड के ऊपर एकदम सिंपल आपको समझा रहा हूँ। तो प्ले अग्रेसिव, कैलकुलेट फोर्स मूव फर्स्ट। रूल नंबर सेवन है, अग्रेसिव खेलो, अटैकिंग खेलो। आप जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, वो आप नोट डाउन कीजिए। सेवंथ नंबर का रूल है, प्ले अग्रेसिव। एट नंबर का रूल है, कैलकुलेटेड फोर्स मूव फर्स्ट। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, तो सबसे पहले फोर्स मूव सोचो कि इसमें गेम में फोर्स मूव सामने वाले के लिए क्या है। तो हम ये खेलेंगे तो उसे यही खेलना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं फोर्स मूव। लाइक चेक, तो चेक इज ए फोर्स मूव, सामने वाले को चेक सेव करना कंपलसरी है। नाइन नंबर का रूल है, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ। अपने आप को पूछिए कि क्या वो मुझे चेक लेके मेरा पीस मार देगा, क्या कहीं डबल अटैक करके मेरा पीस मार देगा, या मेरा पीस कहीं जा रहा है, फ्री में जा रहा है। ऐसा अपने मन में हर एक बार, हर एक मूव करने से पहले पूछिए। रूल नंबर टेन, आपके हर एक मूव में कुछ पर्पस होना चाहिए, हैव ए प्लान, कुछ प्लान होना चाहिए। तो हर एक मूव में कुछ पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस का कोई भी मूव चेस में नहीं है। मतलब जैसे कि आप E4 खेल रहे हो,
तो आप बोलोगे सर फर्स्ट मूव में क्या पर्पस, लेकिन इसका भी एक पर्पस है कि सेंटर कंट्रोल करने के लिए पहला मूव हम e4 करते हैं, नाइट डेवलप करते हैं, तो नाइट डेवलप की इनका पर्पस है, तो हर एक मूव के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। रूल नंबर 11, अपोनेंट के बेस्ट मूव सोचो कि अपोनेंट सबसे बेस्ट क्या खेल सकता है, वो जज करो आप। रूल नंबर 12, अपोनेंट अपने आप को पूछिए कि सामने वाले ने ये मूव किस लिए किया, आस्क योर सेल्फ व्हाई डिड ही मूव दैट, रूल नंबर 12। 13 नंबर का रूल है प्ले फॉर द इनिशिएटिव एंड कंट्रोलिंग द बोर्ड, बोर्ड को कंट्रोल करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर को, पूरे बोर्ड को कंट्रोल करो, 64 स्क्वायर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। 14 नंबर रूल, इफ यू मस्ट लॉस ए पीस गेट समथिंग फॉर इट इफ यू कैन, मतलब 14 नंबर का रूल बहुत ही ध्यान रखने लायक है, अगर आपका कोई पीस फंस गया है, ट्रैप हो गया है और आप वो पीस खोने वाले ही हो, जैसे किसी भी करके बचा नहीं सकते, तो आपको कुछ और काउंटर प्ले ढूंढना पड़ेगा। 15 नंबर रूल, व्हेन बिहाइंड एक्सचेंज पॉन, ये रूल दोस्तों हर एक के लिए लागू है। व्हेन बिहाइंड मतलब आप माइनस हो गेम में तो क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखो, आप गेम में माइनस हो तो पॉन एक्सचेंजेस करो, ना कि पीस, एक्सचेंजेस पॉन्स, ध्यान रखो माइनस हम है, हम मटेरियल डाउन है, तो हमें पॉन सबसे ज्यादा पहले एक्सचेंज करने हैं, हो सके तो सारे पॉन एक्सचेंज कर दो, और अगर आप आगे है, आप प्लस हो गेम में, तो क्या एक्सचेंज करना है, पीसेस, ना कि पॉन, पॉन को रखना है बोर्ड पे दोस्तों, जब भी आप प्लस हो ध्यान रखो सामने वाला ट्राई करेगा पॉन एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन आपको पॉन को बोर्ड पे रखना है, ये बहुत ही काम की चीज है, जो मैं रूल नंबर 15 बता रहा हूँ, ये बहुत ही काम की चीज है, इंटरनेशनल मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स सभी लोग ये रूल फॉलो करते हैं, जब भी वो प्लस होते हैं तो पीसी से एक्सचेंज करते हैं, माइनस होते हैं तो पॉन से एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि पॉन एक्सचेंज करने से क्या होता है, मटेरियल हम डाउन है तो सामने वाले के पास पॉन ही नहीं रहेगा और सिर्फ एक नाइट बचा, और सपोज हमारे पास कुछ भी नहीं है तो खाली नाइट से तो वो मेट नहीं कर पाएगा और गेम हो जाएगी ड्रॉ, तो उसके लिए हमें ड्रॉ के लिए पॉन एक्सचेंजेस करने। रूल नंबर 16, आप अगर कोई पीस डाउन होते हो, इफ यू आर लूजिंग डोंट गिव अप फाइटिंग, आपको कुछ मटेरियल शुरुआत से डाउन हो गए, पॉन फ्री में चला गया या पीस फ्री में चला गया, तो कभी भी मोरल आपका डाउन नहीं होना चाहिए, फाइटिंग करो लास्ट तक। 17 नंबर का रूल, डोंट प्ले अनसाउंड मूव अनलेस यू आर लूजिंग बैडली, मतलब कोई साउंड बिना की मूव है जो आपके किसी काम की नहीं है, वो आपको मूव की जरूरत ही नहीं है, लाइक कई लोग कुछ शुरुआत से S3 या A3 कर लेते हैं जिसकी कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। 18 नंबर, डोंट सेक्रीफाइस अ पीस विदाउट गुड रीजन, ये भी ध्यान रखने का है कि अगर कोई पीस सेक्रीफाइस किया आपने तो कोई रीजन बिना सेक्रीफाइस नहीं करना है, बिना रीजन के सेक्रीफाइस नहीं करना है, ध्यान रखो, अगर रूल नंबर 19, अगर अपोनेंट ने सेक्रीफाइस किया और आपको डाउट है उसके सेक्रीफाइस के ऊपर, तो वो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा कैलकुलेट करो और सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करने से डरना नहीं है, आपको उसके सेक्रीफाइस में जरा भी डाउट है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। 20 नंबर का रूल, अटैक विथ मोर दैट जस्ट वन और टू पीसेस, एक और दो पीस से ज्यादा पीसेस से अटैक का चांस लो। 21, डू नॉट मेक केयरलेस पॉन मूव, बिना कारण के पॉन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉन एक बार आगे बढ़ गया तो कभी भी बैक नहीं आता है, इसलिए डोंट मेक केयरलेस पॉन मूव। 22 नंबर, रूल नंबर 22, डू नॉट ब्लॉक योर बिशप्स, अपने खुद के बिशप को कभी भी ब्लॉक मत करो। 23 नंबर का रूल है, बिशप्स ऑफ अपोजिट कलर हैव द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ ड्रॉइंग, अपोजिट कलर का बिशप अगर है, सामने वाले के पास डार्क स्क्वायर बिशप है और आपके पास लाइट स्क्वायर बिशप है, तो ये गेम में ड्रॉ के चांसेस ज्यादा होते हैं। 24 नंबर, कोई भी पीस को दो बार चलाना
या दो से ज्यादा बार चलाना आपकी मूव वेस्ट होती है। इसलिए हर एक बार एक ही एक पीस मत चलिए, हर बार किसी अलग पीस का मूवमेंट होना चाहिए। 25 नंबर, एक्सचेंज पीसेस इफ इट हेल्प्स योर डेवलपमेंट। हाँ, ये बात भी मेरे कई स्टूडेंट भी पूछते हैं कि मैं नाइट से बिशप मार दूं तो अच्छा है या बिशप से नाइट मार दूं तो अच्छा है सामने वाले का, लेकिन हाँ तब एक्सचेंज करो जब आपको डेवलपमेंट में कुछ फायदा होता है। कई बार हम उसका पीस मारते हैं तो वो हमारा पीस जब रिकैप्चर करता है तो उसी का डेवलपमेंट होता है, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसे टाइम में एक्सचेंज करो जब आपका कोई डेवलपमेंट में फायदा होता है। 26 नंबर, डोंट ब्रिंग योर क्वीन इन टू अर्ली। स्टार्टिंग में कभी भी जल्दी से क्वीन को डेवलप मत कीजिए। 27 नंबर, कैसल सुन टू प्रोटेक्ट योर किंग एंड डेवलप योर रूक। कैसल जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि किंग सेफ हो जाए और दोनों रूक कनेक्ट हो जाए। 28 नंबर का रूल है, डेवलप रूक टू ओपन फाइल। रूक ऑलवेज स्ट्रॉन्ग वन ओपन फाइल और सेवंथ रैंक, ये ध्यान रखिए। 29 नंबर, पुट रूक्स बिहाइंड पासपोन। जब भी कोई पासपोन होता है तो रुक बिहाइंड पासपोन सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है दोस्तों। एंड गेम में रुक बिहाइंड पासपोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, ये भी ध्यान रखो। 30 नंबर का रूल, स्टडी रुक एंड गेम ट्राई आर द मोस्ट कॉमन एंड गेम्स। दोस्तों गेम सीखने के लिए एंड गेम का स्टडी भी बहुत जरूरी है। रुक एंड गेम आपको ली चेस में रुक एंड गेम की पजल्स मिलेगी स्पेशली, वो आप ट्राई कीजिए। 31 नंबर का रूल्स, डोंट लेट योर किंग गेट कॉट इन द सेंटर। किंग को सेंटर में मत ले जाइए ताकि वो वहां पे पकड़ा जाए। 32 नंबर, डोंट कैसल इफ इट ब्रिंग्स योर किंग इनटू ग्रेटर डेंजर। जब सामने वाला अर्ली अटैक करता है तो कैसलिंग जल्दी मत कीजिए, उसी साइड कैसलिंग करना रिस्की है। 33 नंबर का रूल, आफ्टर कैसलिंग कीप ए गुड पॉन फॉर्मेशन अराउंड योर किंग। जब आप कैसलिंग कर लेते हो तो आपके किंग के आजू बाजू का पॉन फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। रूल नंबर 34, इफ यू ओनली हैव वन बिशप पुट योर पॉन ऑन इट्स अपोजिट कलर। जब आपके पास एक बिशप है तो आपको उसके अपोजिट कलर के जो स्क्वायर है उसमें पॉन रखने हैं। 35 नंबर, ट्रेड पॉन पीसेस व्हेन अहेड इन मटेरियल और व्हेन अंडर अटैक। जब आपका पीस अंडर अटैक है मतलब तब आप उसमें ट्रेड कीजिए। 36 नंबर, फ्री योर गेम बाय एक्सचेंजिंग मटेरियल। जब आप टेंशन में हो, ज्यादा अपोनेंट का अटैक है, बहुत सारे पीसेस का अटैक है, तब गेम को फ्री कीजिए, नेचुरल कीजिए, सारे पीसेस एक्सचेंज करना ट्राई कीजिए, गेम एकदम इजी बनाइए। 37 नंबर, जब हमारा अपोनेंट टेंशन में है, हम ज्यादा अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे पीसेस से अटैक कर रहे हैं, तब उसे फ्री होने का मौका मत दीजिए, उसे एक्सचेंजेस का चांस बहुत ही कम दीजिए। 38, स्टडी ओपनिंग्स यू आर कंफर्टेबल विथ। ओपनिंग तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मेरी चैनल में और बहुत सारे बनाने वाले भी हूँ आगे भी कंटिन्यूस, लेकिन ये रूल सभी लोगों के लिए, सबको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही ओपनिंग को स्टडी कीजिए कि जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपको जो इजी लगती है। मेरे बहुत सारे वीडियो है, ऐसा नहीं कि डच भी सीख लिया, स्कैंडिनेवियन भी सीख लिया, फ्रेंच भी सीख लिया, कोई पर्टिकुलर एक लाइन पकड़िए और मैं जो भी ओपनिंग आपको सिखाता हूँ उसकी पूरी बैक टू बैक सीरीज बनाता हूँ, तो वो पूरी सीरीज आप सीख लीजिए और पूरी ओपनिंग आपको रेडी हो जाएगी। उसके बाद 39 नंबर का रूल, प्ले ओवर एंटायर गेम्स नॉट जस्ट द ओपनिंग। सिर्फ ओपनिंग में मत खेलिए, पूरी गेम में फोकस कीजिए, एंड तक, लास्ट मोमेंट तक। 40 नंबर का रूल है, ब्लिस चेस इज हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइज चेस पैटर्न। कभी कभी ब्लिस भी खेल देना चाहिए, ब्लिस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हेल्प करती है आपको ओपनिंग स्टडी करने में। 41 नंबर का जो रूल है, स्टडी एनोटेड गेम एंड ट्राई गेस इच मूव। जब आप कोई ओपनिंग प्रिपरेशन करते हो तो उसकी गेम्स भी स्टडी कीजिए, ये 41 नंबर का रूल है। 42 नंबर, कुछ ही ओपनिंग तैयार कीजिए। 42 जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी ओपनिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही ओपनिंग रेडी कीजिए। 43 नंबर का रूल है, आपको अपनी हर एक गेम को रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए, और स्पेशली जो भी आप लॉस होते हो तो खास लिखिए।
44 नंबर का रूल है, आपकी जो लिखी हुई गेम है वो आप से अपर रेटेड प्लेयर को दिखाइए, या आईएम ग्रैंड मास्टर और आपके जो भी क्लोज है आपके संपर्क में उन्हें आप अपनी गेम दिखाइए और उनसे कुछ सीखिए कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। आप मुझे भी कॉमन बिट्स में अपनी गेम्स देख के पूछ सकते हैं। 45 नंबर का रूल है, चेस कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर ये सब अभी के जमाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो इसका यूज कीजिए। 46 नंबर, हर एक लोग ब्लंडर्स करते हैं, एवरीवन मेक्स ब्लंडर्स, द चैंपियंस जस्ट ब्लंडर लेस ओपन। चैंपियन होते हैं वो भी ब्लंडर करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर ओपन, मतलब 50 मूव की गेम में शायद कहीं पे एक आध मूव में छोटी सी रेयर ब्लंडर की होगी जो हमें दिखाई नहीं देती। 47 नंबर का रूल, अगर आपका मूव नहीं है और सामने वाला सोच रहा है तो उसका टाइम भी अपने कॉम्बिनेशन के लिए यूज कीजिए। 48 नंबर, डबल रुक करने का ट्राई कीजिए ऑन फाइल और रैंक और ओपन फाइल। 49 नंबर, अपने आप को हमेशा पूछिए कि मेरी नेक्स्ट मूव मैंने मिस कर दी है, क्या सामने वाले ने सोची नहीं है, अपने ही मन में पूछिए। 50 नंबर, डोंट मेक योर ओन प्लान विदाउट द एक्सक्लूजन ऑफ द अपोनेंट थ्रेट। अपोनेंट की थ्रेट के बिना अपना प्लान मत बनाइए, पहले उसकी थ्रेट देखिए उसके बाद अपना प्लान बनाइए। 51 नंबर, वॉच आउट फॉर कैप्चर्स बाय रिट्रीट ऑफ एन अपोनेंट पीसेस। 52 नंबर, डू नॉट फोकस ऑन वन सेक्टर ऑफ द बोर्ड, व्यू द होल बोर्ड। बोर्ड के एक सेक्टर में देखने की जरूरत नहीं है, पूरे बोर्ड के ऊपर फोकस रखिए। 53 नंबर, राइट डाउन योर मूव फर्स्ट बिफोर मेकिंग दैट मूव इफ इट हेल्प्स। ये रूल टूर्नामेंट में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मूव करने से पहले आपको लिखना नहीं होता है। टूर्नामेंट में ऐसा रूल है कि आप पहले मूव करो बाद में ही मूव राइट कर सकते हो, लेकिन ये गलत है, तो सॉरी पर 53 नंबर रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। 54 नंबर, ट्राई टू सॉल्व पजल्स, डायग्राम्स, बुक्स, मैगजीन्स। चेस सीखने के लिए बहुत सारी पजल्स कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा पजल्स करने में। 55 नंबर, इट इज लेस लाइकली दैट एन अपोनेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑफ बीट ओपनिंग्स। अगर किसी अपोनेंट ने अलग ओपनिंग कर दी है, कुछ आपने जो ओपनिंग देखी ही नहीं है, ऑन बोर्ड आपको उसका प्रिपरेशन ऑन बोर्ड करना है और जो बेसिक प्रिंसिपल है उस हिसाब से डेवलप करना है। 56 नंबर, रिकॉग्नाइज ट्रांसपोजिशन ऑफ मूव फ्रॉम मेन लाइन प्ले। 57 नंबर, वॉच योर टाइम एंड अवॉइड टाइम ट्रेवल। अपने टाइम देखते रहिए और टाइम ट्रेवल को अवॉइड कीजिए। 58 नंबर का रूल है, बिशप आर वर्थ मोर देन नाइट एक्सेप्ट दे वेयर आर पिन इट। 59 नंबर रूल्स, अ नाइट वर्क्स बेटर विथ ए बिशप देन अनदर नाइट। 60 नंबर, इट इज यूजुअली अ गुड आइडिया टू ट्रेड डाउन इनटू अ पॉन अप एंड गेम। 61 नंबर, हैव कॉन्फिडेंस इन योर गेम। में कॉन्फिडेंस रखिए, चाहे कोई भी प्लेयर हो मैं उसे हरा सकता हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाना। 62 नंबर, प्ले इन एज मैनी रेटेड इवेंट्स एज यू कैन। जितनी ज्यादा हो सके उतनी रेटेड टूर्नामेंट्स खेलिए। 63 नंबर, ट्राई नॉट टू लुक एट योर अपोनेंट्स रेटिंग अंटिल आफ्टर द गेम। अपोनेंट का रेटिंग देख के खेलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा डर हो जाता है कि वो तो 1700 रेटेड वाला प्लेयर मेरे सामने आ गया है, मैं तो गेम हार जाऊंगा। ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रीली खेलिए, बिल्कुल बिंदास खेलिए, अटैकिंग खेलिए, उसे मैं हराने वाला हूँ ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए। 64 नंबर, लास्ट रूल है, ऑलवेज प्ले फॉर अ विन। तो दोस्तों ये थे टोटल 64 रूल्स। अब इसमें से कुछ रूल्स रिपीट भी हुए हैं अलग अलग, लेकिन मैंने तो पूरी, मेरे पास जो रूल्स की बुक है उसमें से आपको ये पूरी 64 रूल्स पढ़ के बता दिए हैं। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं टूर्नामेंट में स्ट्रांगली गेम जीतने के लिए। वन बाय वन रीड करके आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए और ध्यान रखिए कि कौन सा रूल आप मिस कर रहे हो इसमें से।
और उससे खुद से ही सीखिए कि मैंने ये रूल मिस किया, मैं अगली बार नहीं करूँगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग ओपनिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।